तो हमने परमात्मा के चरणों में आने के बाद अपना दुख अवश्य रोना होता है कि मुझे ये पीड़ा है, लेकिन अन्य डिमांड नहीं करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसके पास अंडर ट्रीटमेंट होते हैं, तो डॉक्टर को हम अपना दुख तो हम बता सकते हैं कि जी यहाँ पीड़ा है, ऐसा दर्द है, ये तकलीफ है। फिर वो उसको कैसे सेट करता है, कैसे हमें स्वस्थ करता है, ये वो काम डॉक्टर का है। फिर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में बाधक नहीं बने, उसके द्वारा बताए गए परहेज को शुरुआत नहीं करे, तोड़े नहीं, तो फिर वो स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार ये परमात्मा, परमेश्वर कबीर जी का एक हॉस्पिटल है, ये दास उसका नौकर है, इस जन्म मरण के रोग को काटने वाला एक डॉक्टर है। दवाई परमात्मा ने बता रखी है, औषधि मेरे को दे रखी है, ट्रीटमेंट विधि बता रखी है। तो यहाँ जो भी आपके साथ हो रहा है घर पे या यहाँ पर, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं हो गया। इसके दो कारण हो सकते हैं। यदि आपको कष्ट रहा है तो गॉड गिवन है, इतना कष्ट चाहिए हमारे को ताकि भगवान की भूल ना पड़े। और कष्ट आपको अधिक बढ़ रहा है, बढ़ गया है तो आपका नाम खंड हो गया है, आपने डॉक्टर की मर्यादा निभाई नहीं है, जिस कारण से आपको पीड़ा बढ़ी है, वैसे नहीं बढ़ सकती। औषधि ठीक से यूज नहीं की या कोई परहेज तोड़ दिया, तो इसी प्रकार या तो आपने कोई नियम भंग कर दिए तब आपको पीड़ा बढ़ सकती है, अन्यथा पीड़ा है और नाम आपके ठीक है तो गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है, उसमें अग्रम अग्रम ना करना। क्योंकि कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टलै बला, और जय माथे में जय भाग्य में सूली हो, सूली माने मौत, वह कट्टे में टल जा। ऐसे ऐसे भारी कष्ट होना हो, जान जानी हो, पूरा परिवार नष्ट होना हो, एक्सीडेंट हो जाता है, एक टांग कट कर बच जाते हो, वो टांग काटना यानी वो अंग भंग करना डॉक्टर के लिए परमात्मा के लिए आवश्यक था, अन्यथा पूरा परिवार भी नष्ट हो सकता था। हमने युगों युगों के पाप इकट्ठे कर रखे हैं, तो परमात्मा अपने हिसाब से हमें जो है ट्रीटमेंट करेगा, हमारी हर तरह की सुविधाएं प्राप्त कराएगा, हमारे प्रारब्ध के कर्मों को काटेगा, निकालेगा, ख़त्म करेगा। जैसे डॉक्टर बताता है कि तेरा ये हाथ कटेगा अन्यथा पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, तो फिर डॉक्टर को ये कहना पड़ता है जी जान बचा लो, हाथ बेस से कट जावे। तो डॉक्टर का शौक नहीं, डॉक्टर कोई दुश्मन नहीं, शत्रु नहीं, उसने अवश्य के जीवन की रक्षा करने के लिए एक हाथ को काटना, तो उसमें हम फिर कर क्या सकते हैं, सहमति ही देनी चाहिए। तो परमात्मा जो करते हैं आपके साथ उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना ध्यान अवश्य रखें कि नाम ना खंड हो गया हो।